सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ जी, वो अभी उन्होंने कल एक प्रेस मीट करी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि हम बच्चों की ऑफलाइन एग्जाम लेने के बारे में नहीं सोच रहे, बस हम ये सोच रहे कि बच्चों के एग्जाम करवाए किस तरीके से। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्षा गायकवाड़ जी भी यही सोच रही है कि सीबीएसई क्या फैसला लेगी। जो सीबीएसई फैसला लेगी वैसा ही फैसला जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो ले गई, तो आप लोग टेंशन मत लो, बस सीबीएसई का वेट करो। सीबीएसई जो फैसला लेगी वही महाराष्ट्र बोर्ड लेगी, वही यूपी, वही हरियाणा, सभी स्टेट बोर्ड वही फैसला लेंगे, क्योंकि सीबीएसई सुपीरियर बोर्ड है, वो डिसीजन लेता है तो वो सेंटर पास करता है, और सेंटर पास कर रहा है तो मतलब स्टेट बोर्ड आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, और सीबीएसई काफ़ी बड़े लेवल पर एग्जाम हो रहा है, तो अगर वो कोई फैसला ले रहा है तो वो एकदम सही फैसला होगा। तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना, बस आप सभी को वेट करना है, लमसम दो दिन और वेट करना है, दो तीन दिन में आपको फैसला मिल जाएगा। तो अभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग वेट करो, बाकी कोई दूसरा अपडेट आएगा महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से या फिर सीबीएसई बोर्ड की तरफ से तो आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि वेट करो, जो सीबीएसई बोर्ड फैसला लेगी वही सेम फैसला महाराष्ट्र बोर्ड लेगी, लेकिन एक इशारा तो महाराष्ट्र बोर्ड का यही है कि वो बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम तो नहीं करवाएगी, बाकी कोई दूसरे मोड से आपको प्रमोट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशिंग है, फिर सेफ रहो।